बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। AN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबको पता है मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर ये सफदर ने कहा कि इनको क्रश करने की जरूरत है। आपको क्या नहीं नजर आ रही राणा सनाउल्ला की स्टेटमेंट्स? फौरन वो नाम चलेंगे सियासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर पेश होने से इस्तिस्ना भी मिल गया। शहबाज गिल कहते हैं कि 7 ऐसे लोग हैं जो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि इस बंदे को कुचल देना चाहिए। मैंने 7 नाम अपने वकील को भेज दिए हैं। अगर इमरान खान या मुझे कुछ हुआ तो इनको कानून के दायरे में लाया जाए, चाहे मेरी जान ले लें, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। शहबाज गिल की गाड़ी को जानबूझकर टक्कर नहीं मारी गई। शवाहिद और तफ्तीश के बाद ड्राइवर वजाहत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सराय के मुताबिक वजाहत अली की गफलत के बायस हादसा पेश आया। पुलिस ने हाफिजाबाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुलजिम का कहना है कि जाय हादसा पर रुका, लेकिन शहबाज गिल को गाड़ी से निकलता देख कर भाग गया। PTI के 20 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। 19 मुनहरिफ अराकीन ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने जवाब पढ़कर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, मोहलत मुनहरिफ अराकीन के वकला मांगेंगे लगता था, लेकिन यहाँ तो आपने ही मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी बोले कि MNAs का केस मुख्तलिफ है, लेकिन पंजाब में MPS ने वोट कास्ट कर दिया है और मंगल को MPS मुनहरिफ अराकीन का फैसला भी हो जाएगा, उम्मीद है। PTI की हकीकी आज़ादी की जदोजहद तहरीक का आगाज आज होगा। इमरान खान मियांवाली में आज जलसे से खिताब करेंगे। आवाम पुरजोश, कासिम सूरी की क़यादत में रैली। रैली के शुरका ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए। अताउल्लाह साखिलवी मारूफ गुलकार ने आवाम से जलसे में शिरकत की अपील कर दी। अंदरून सिंध में पानी का बहरान, आवाम बूंद बूंद को परेशान। सांगर समेत मुख्तलिफ शहरों में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। ठट्ठा में कौमी शाहराओं पर धरना। सांगर और टंडोला हयार समेत मुख्तलिफ शहरों के रहायशी रोड्स पर निकल आए। मुठियारी के इलाका हाला में भी पानी की कमी से किसान परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। DIG खान में भी बारिश, खैबर में भी आलाबारी, जबकि सिंध भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। कंदील ब्लोच के बाद एक और मॉडल गैरत की भेंट चढ़ गई। उकाड़ा के नवाही गांव में सगे भाई ने अपनी हकीकी 22 साल बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मां की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिम हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।